बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हो बच्चों आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना समुद्र पर दर्श शुरू करेंगे मुल्की बेदर और दूसरे जानवर। शफीकुर रहमान साहब ने इसको लिखा है। 1920 में पैदा हुए थे, जोरदार में इनका इंतकाल हो। उर्दू के मुमताज अफसाना निगार और मजा निगार शफीकुर रहमान 1920 में जिला जलंधर में किला नूर के मुकाम पर पैदा हुए। उन्होंने 1942 में किंग एडवर्ड कॉलेज लाहौर से MBBS का इम्तहान एजाज के साथ पास किया। अपनी काबिलियत और मेडिकल के इम्तहान में नुमाया पोजीशन की वजह से एक साल के अंदर ही उन्हें फौज में इंडियन आर्मी मेडिकल सर्विस में ले लिया गया। पाकिस्तान बन गया तो वो पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बन गया और मेजर जनरल के अहदे तक तरक्की करने के बाद रिटायर्ड। 1980 में उनका तकरीबन कानूनी अख्तियार पाकिस्तान के चेयरमैन की हैसियत से हो गया, जहाँ उन्हें 6 साल यानी 1986 तक इल्मी व अदबी खिदमात अंजाम दी। शफीकुर रहमान के मजाक का अंदाज बहुत हल्का फुल्का और नुमाइश शायस्ता है। उनके यहाँ ना तो अल्फाज की बाजीगरी से मजाक पैदा करने की कोशिश नजर आती है और ना ही महज मजाक पैदा करने की गर्ज से एक बाप का काम से नीचे उतरने का रुझान मिलता है। उनकी तहरीरें हिस्से मजाक रखने और मजाक के तकाजों को समझने वालों में बहुत मकबूल हुई। 1942 में आपके अफसानों का पहला मजमूआ कितने शाया हुआ आपके दीगर मजमुओं में शकूफ के मतलब जैसा हम आपके हैं मजीद हम आपके यहाँ दर्जा वगैरह शामिल हैं। हमारे सिलेबस में जो इनका सबक शामिल है अफसाना मुल्की पिंड और दूसरे जानवर। इस सबक में हमें मुख्तलिफ जानवरों और परिंदों के बारे में जो है वो हमारे अदब के अंदर क्या ख्याल पाए जाते हैं उसको मजाया अंदाज में लिखने की कोशिश की है। तो सबक की रीडिंग बेटा आपने खुद करनी है, हम इसकी मशक पर चलते हैं। मशक में जो सवाल आपके जवाब में आपको बताता हूँ। कौवा दरामद में हमेशा क्या इस्तेमाल होता है? कौवा दरामद में हमेशा मुजक्कर इस्तेमाल होता है। पहाड़ी कौवा कितना लंबा होता है? पहाड़ी कौवा 1.5 फीट लंबा होता है। बंदूक चले तो कौवे क्या करते हैं? बंदूक चले तो कौवे दफा तक लाखों तादाद में जमा हो जाते हैं और इसको अपनी जाति का कीमत समझते हैं। हम हर कुछ लोग परिंदे को बुलबुल समझते हैं, इसमें किसका कसूर है? हम हर कुछ लोग परिंदे को बुलबुल समझते हैं, इसमें कसूर हमारे अदब का है। बुलबुल गाने की वजह क्या है? बुलबुल के गाने की वजह उसकी यकीन खान की जिंदगी है। खान की जिंदगी खानदानी जिंदगी को कहते हैं। बुलबुल बहुत से मौसीकारों से क्यों बेहतर है? क्योंकि वो गला खराब होने का बहाना नहीं करती, इसलिए बुलबुल बहुत सारे मौसीकारों से बेहतर है। भैंस का मशगला क्या है? भैंस का पसंदीदा मशगला जुगाली करना है और फक्र करते रहना है। भैंस की सलाह से इंसानों से ज़्यादा खुश नसीब है। भैंस को कल की बात आज याद नहीं रहती, इसलिए भैंस इंसानों से ज़्यादा खुश नसीब है। उल्लू की कितनी किस्में बताई गई हैं? उल्लू की करीबन 20 किस्में बताई गई हैं। लफ्ज़ तकरीबन गलत होता है, करीबन ही कितना रोक रहा है। उल्लू को कौन पसंद करता है? उल्लू को वही शख्स पसंद करता है जो फितरत का हद से ज़्यादा मतलब हो। हद से ज़्यादा मतलब होने से मैं फितरत को हद से ज़्यादा पसंद करता हूँ। उल्लू को अपने बच्चों की तालीम तरबियत से दिलचस्पी क्यों नहीं? क्योंकि वो ये समझता है कि इनकी तालीम तरबियत सब बेकार है, इसलिए इसको अपने बच्चों की तालीम तरबियत से कोई दिलचस्पी नहीं। बिल्ली कितने अरसे में सताई जा सकती है? बिल्ली करीबन 1 साल के अरसे में सताई जा सकती है। मोहम्मद साहब का बेटा ये है कि आपने इस सबक का खुलासा याद करना है और लिखना है। और साथ में मुझसे सवाल ठीक है और याद इस तरह से ये आपका सबक नंबर 10 जो है वो मुकम्मल हो गया।